संकल्प शिविर को लेकर मध्य प्रदेश में काफी उत्साह है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का कहना है कि शिविर में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के बाद सहमति बनी है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। सुरेश पचौरी से हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल ने बात की। मध्य प्रदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी भी इस मंथन में पहुंचे थे। पचौरी जी, क्या बात हुई इस मंथन में, क्या निकल के आया उस पूरे चिंतन शिविर के बाद? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए यह आवश्यक होता है कि वो समय समय पर अपने एक्शन प्लान को लेकर चर्चा करे, अपनी खूबियों और खामियों को देखे और निरंतर सुधार की दिशा में अग्रसर हो, इस बारे में स्वतंत्रता पूर्वक चर्चा करें। आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए पार्टी वर्करों को, पार्टी नेताओं को, ऐसा क्योंकि पार्टी की जो जनाधार है लगातार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। हर राजनीतिक पार्टी उतार और चढ़ाव देखती है, क्योंकि जनाधार की बात आई है, नंबर ऑफ एमपीज की बात आएगी, नंबर ऑफ एमएलएज की बात आएगी, नंबर ऑफ स्टेट्स की बात आएगी कि हम कहाँ रूलिंग पार्टी हैं, कहाँ दूसरे। हर राजनीतिक पार्टी के जब आप इतिहास के पन्ने देखेंगे तो सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। जो आपने प्रश्न किया, बिल्कुल सही किया, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सम्मान दें, स्थान दें और उनकी मेहनत को हम रिकॉग्नाइज करें और कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे उनका मनोबल गिरे। कुल मिलाकर मंथन जो हुआ चिंतन शिविर में, उससे अब क्या निकल के आने वाला है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।